मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चक्रव्यूह के बाद मैंने लाल इश्क किया था और विद द सेम प्रोडक्शन हाउस, मैंने प्रतीक भाई के साथ ही काम किया था उसमें। सो उनकी टीम के साथ मेरी तभी से बॉन्डिंग बनी हुई है और हमने तभी इस शो के बारे में बात की थी, स्टोरी के बारे में कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है। और इट्स बिन 3-4 मंथ्स सिंस देन, हम लोग इस पर लगातार काम करते आ रहे हैं। इनिशियल स्टेजेस पर कैरेक्टर्स पर काम किया, स्टोरी पर डिस्कशंस हुए और होते होते वी टुक ऑफ और अभी लॉन्च का टाइम आ गया है और एक्साइटमेंट लेवल टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। जैसा मैं लगता था कि नहीं यार थकान हो गई है, इतने टाइम से हम लोग शूट कर रहे हैं, डे नाइट भी है शूटिंग फॉर द एपिसोड्स, लेकिन अभी उतने ही हम रिफ्रेश हो गए हैं, अभी हमारा एनर्जी लेवल्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। वी आर मोर एक्साइटेड टू वर्क नाउ। हमें जानना है ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्योंकि आई बिलीव द ऑडियंस इज शावरिंग लव ऑन द प्रोमोज एंड द पोस्टर्स विच आर एवरीवेयर इन द कंट्री, और जिस तरह की वाइब्स जनरेट हुई हैं हमारी तरफ से, आई थिंक वील गेट इट बैक, हमें मिलना चाहिए वापस। माई टीम मेम्बर्स डिड नॉट मेड मी नर्वस एट ऑल, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे हैड ऑलवेज गाइडेड मी दैट हाउ कैन आई मेक माई कैरेक्टर इवन मोर स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन। सो आई एम एक्साइटेड एंड येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट ऑडियंस का शोर लव ऑन अस। एंड हमने ये शो बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत प्यार और हमारी पूरा हार्डवर्क इसमें इन्वॉल्व है एंड येस ऑफकोर्स आई एम श्योर दैट द ऑडियंस इज गोना लाइक इट। रैगिंग कभी कभी हमारी सबकी की जाती है, हमारे डायरेक्टर सर प्रतीक सर वो इस मामले में बहुत माहिर हैं, तो छोटे छोटे वो कभी भी कमेंट्स पास कर देते हैं प्यार भरे। सो दैट्स द ओनली रैगिंग दैट टेक्स प्लेस, बाकी मेरे ख्याल से कोई खास रैगिंग की नहीं गई अभी तक, लेकिन जल्दी होने वाली है। नहीं, रास्ते में तो मनमोहिनी नहीं मिलती है उसमें, शी इज़ बीन वेटिंग फॉर मी 500 सालों से, तो मैं उसको रास्ते में मिल जाता हूँ क्योंकि वो मेरा वेट कर रही होती है राम का। और कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ 500 साल पहले राम के पिछले जन्म में वो उसकी लवर होती है मनमोहिनी, और कुछ भी वहाँ पर उनका वो कंप्लीट नहीं हो पाई कहानी उनकी और राम मर जाता है, बट मनमोहिनी लिव्स और वो कुछ भूरे जादू से अपने आप को ज़िंदा रखती है 500 सालों तक सिर्फ इंतज़ार में। उसको श्योरिटी भी नहीं होती कि राम वापस आएगा या नहीं, बट देन ही रिटर्न्स और उसके अगले नए जन्म में सिया राम की वाइफ है। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन मनमोहिनी का प्यार 500 सालों से चलता आ रहा है, तो ये वही क्लैश है कि मन मोह पाएगी या नहीं मनमोहिनी राम का, क्योंकि राम सिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सिया भी राम से उतना ही प्यार करती है, लेकिन मनमोहिनी का नेक्स्ट लेवल है, तो क्या होने वाला है बस वो हमें भी नहीं पता है, अभी आगे देखते हैं। सो हमारा शो मनमोहिनी शुरू होने वाला है ट्यूजडे से शाम 7:30 बजे, दैट्स 27th November, और हम लोगों ने बहुत प्यार के साथ बहुत मेहनत के साथ ये शो बनाया है, आप देखना शुरू करिए, आई एम श्योर यूल एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच, कीप शावरिंग योर लव। सेम।